हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेलनेस मॉम किचन। आई एम पूनम हेयर। सो गाइस, आज मैंने इसमें मोदक बनाने की रेसिपी शेयर की है, जो इंस्टेंट सिर्फ 15 टू 20 मिनट्स में बनके रेडी हो जाएगा, सिर्फ हमारी किचन की अवेलेबल 5 चीजों से। सो गाइस, कीप वॉच माय वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल वेलनेस मॉम किचन। थैंक यू। हेलो गाइस, देखो ये मैंने सामान लिए हैं, 5 चीजें हैं। ये घी है जो मैंने 50 ग्राम लिया है, ये गेहूं का आटा है ये भी मैंने 50 ग्राम लिया है, चीनी भी मैंने 60 ग्राम ली है, और ये मलाई है फ्रेश ये भी मैंने 60 ग्राम ली है, और ये थोड़े से मैंने काजू और बादाम लिए हैं 30 से 40 ग्राम, मुट्ठी भर आप ले सकते हो, आप चाहे तो किशमिश भी ले सकते हो। और ये मैंने कढ़ाई गर्म करने रख दी है, अब मैं इसमें घी ऐड कर रही हूँ। और देखिए, इसमें मैंने घी ऐड कर दिया है, और ये जब घी गर्म हो जाएगा अब मैं इसमें गेहूं का आटा जो मैंने लिया था वो अब मैं इसमें डालूंगी। ये देखिए, ये मैंने घी गेहूं का आटा डाला है, और इसको हम धीरे धीरे चलाते रहे, गैस की फ्लेम हम लो रखेंगे इस टाइम पे, क्योंकि गेहूं का आटा बेसन ऐसी चीज़ें जल्दी से घी में भूनते भूनते जल जाती हैं अगर हम इनको तेज आंच में बनाएंगे, तो हमें इनकी गैस को लो करके तब हमें इसे धीरे धीरे इसको भूनना चाहिए, ताकि अच्छे से ये भूनता रहे, और इसको हमेशा रेगुलर चलाते रहिए ताकि ये लगे नहीं नीचे। और देखिए, मैं इसको भून रही हूँ अच्छे से घी में, ये मिक्स भी हो गया है और गैस कम करके मैंने इसे भूना है। अब देखिए, मैं इसको भूनते भूनते ये धीरे धीरे इसमें जो कलर जो है वो चेंज हो गया है, लगभग 5 से 7 मिनट मुझे लगे हैं, और इसका कलर देखिए थोड़ा सा थिकनेस भी आ गई है, गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया है, और इसने कलर भी चेंज कर दिया है। जब ये कलर चेंज करेगा, थोड़ा भुन जाएगा तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी खुशबू आनी शुरू हो जाती है, और मीठी मीठी सी गेहूं के आटे की आपको खुशबू सी आएगी। अब ये मैंने अलग पैन में चीनी और उतना ही पानी डाल के उबलने रख दिया है, ताकि ये पानी में अब जब मेरा जो मिक्सचर रेडी हुआ है, भुना हुआ है, उसमें डाल के इसको पकाऊंगी। ये देखिए, ये मेरा गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट है। अब हम इसमें जब भुन जाएगा तो हम इसमें अब ऐड करेंगे मलाई। ये देखिए, चलाते हुए कि किस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी रहती है और ये किस टाइप से लगता है ये आप देख लीजिए। अब मैं इसमें ऐड करती हूँ मलाई। ये देखिए, ये जो फ्रेश क्रीम की मैंने मलाई ली है, आप चाहे तो दूध के ऊपर से मलाई उतार के ताज़ी ताज़ी वो डाल सकते हैं, नहीं तो आप बाज़ार से अमूल की फ्रेश क्रीम आती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, हो सके तो आप घर की चीज़ों से ही इस्तेमाल कीजिए, इससे फ्लेवर भी अच्छा आता है। ये मैंने 60 ग्राम मलाई ली थी, तो अब ये मैंने डाली है इसमें। अब मैं इसको धीरे 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 चलाते रहे, गैस को थोड़ा सा मीडियम कर लीजिए उस टाइम पर, और इसको मिक्स करते रहिए, ये थोड़ा सा थिक होना शुरू हो जाएगा। करते करते आप इसको 3 से 4 मिनट और पकाइए, उसके बाद इसमें आप अपने जो भी चॉप्ड आपके नट्स थे वो आप इसमें ऐड करिएगा। देखिए, मैंने नट्स हैं वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। उसके बाद हम इसमें जो शुगर सिरप था वो डाल के इसको गाढ़ा कर लेंगे। ठीक है गाइस, अब ये देखिए मेरा पेस्ट बनके रेडी हो गया है। अब मैं इसको आपको मोदक बनाना सिखाती हूँ। इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये जो मैंने स्पून होती है हमारे नॉर्मल डब्बों में आती है, ये साइज़ की मैंने बड़ी साइज़ की स्पून ले ली है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा लेके बैटर को अच्छे से दबा दबा के मोदक की शेप देंगे, और देखिए मैं किस तरीके से इसको कर रही हूँ, इस तरीके से दबा के, और आप इसको इस तरीके से करके अब आप क्या करो, इसको देखो निकालेंगे तो नीचे से ये राउंड शेप में आ जाएगा। ये देखिए, नीचे से इसकी शेप जो है राउंड हो जाएगी। ये देखिए, मैंने ऐसे से राउंड शेप में इसको कर दिया है। अब इसको हाथ से हल्का हल्का प्रेस करके राउंड शेप में हम इसको थोड़ा सा कर देंगे, जो भी एजेस बाहर आ रही थी उसको भी ठीक कर लेंगे। फिर हम फोक की हेल्प से इसमें थोड़ा डिज़ाइनिंग कर देंगे, जैसे मोदक होता है उस टाइप से हम इसके यहाँ पे फोक से इसकी डिज़ाइनिंग कर देंगे, जिससे ये बिल्कुल मोदक की शेप में लगेगा। देखिए, ये बनके मोदक तैयार हो गए, और कितने बढ़िया लग रहे हैं, जितने बढ़िया देखने में लग रहे हैं उतने खाने में भी हैं। तो
तो गाइस ये देखिए फाइनल मेरे ये मोदक रेडी हो गए हैं। ये इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स और मोदक बना के मैंने आपको प्लेट में लगा के दिखाए हैं, और ये देखने में जितने अच्छे हैं उतने खाने में भी अच्छे हैं। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।